नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मोजाम्बिक के तेते प्रांत में पेट्रोल से भरे ट्रक में विस्फोट, 73 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तानी सांसदों को सताने लगा डर, इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत को होगा ज्यादा फायदा। कॉरिडोर के जरिए चीन भारत के अलावा मध्य एशिया और यूरोप में साधना चाहता है अपना व्यापारिक हित। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 20वें स्थान पर पहुंचा भारत। परिवर्तनीय ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का रहा है उल्लेखनीय योगदान। जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप ने की पुष्टि। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले पहले विदेशी नेता बने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शिंजो ने की ट्रंप की तारीफ, कहा ट्रंप पर है मुझे पूरा भरोसा। मोसुल में इराकी सेना आईसिस के लड़ाकों के घर घर की ले रही है तलाशी। एक घर से मिली ड्रोन बनाने की सामग्री। कुर्द बलों और इराकी सेना ने आईसिस के खिलाफ छेड़ रखी है जंग। और ब्रिटेन के अखबार डेली टेलीग्राफ का दावा, साइबर हैकिंग से ब्रिटेन के 60 लाख उपभोक्ताओं पर मंडराया संकट। पिछले 4 सप्ताह से मोबाइल हैंडसेट में धोखाधड़ी की कोशिशों में हुआ है इजाफा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।